हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो गाइस, आज जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रे आ गए हैं। और मैं माता रानी के विग्रह की क्लीनिंग कर रहा था। आप माता रानी के श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं गाइस। हमारी माता रानी इस्कॉन स्टाइल हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना माता रानी के विग्रह को साफ़ किया जाए। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप कोई भी पीतल के विग्रह या फिर वस्तु जैसी कि दिए वगैरह, इन सब को साफ़ कर सकते हैं, एकदम चमका सकते हैं। तो ये हमारी माता रानी का विग्रह आप देख सकते हैं कि शाइन तो है, लेकिन थोड़ा सा ना शाइन डल हो गई है। तो आज मैं माता रानी के विग्रह को क्लीन करूँगा। तो मैं क्लीन करने के लिए एक पेस्ट बनाऊँगा, देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ किचन में। हमें इस पेस्ट को बनाने के लिए चाहिए दही, तो मैं थोड़ी सी कर्ड ऐड करूँगा बाउल के अंदर। जितना बड़ा आपका विग्रह है या जितनी आपको क्लीनिंग करनी है, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, क्योंकि माता रानी का विग्रह बड़ा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 4 स्पून्स ऐड कर रहा हूँ कर्ड का। ये मैंने कर्ड ली है। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है आमचूर पाउडर, जिसको खटाई भी कहते हैं, आमचूर पाउडर भी कहते हैं। इसमें वो ऐड करके इसे मिक्स करना है। मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पेस्ट बनेगा। देख सकते हैं गाइस, मैंने खटाई ले ली है। अब हम इसके अंदर खटाई ऐड करेंगे, तब तक जब तक कि मिक्सचर ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, यानी कि खटाई की भी इक्वल कंसंट्रेशन होनी चाहिए अराउंड, सो दैट के ये मिक्सचर प्रॉपरली बन पाए। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसमें अच्छे से खटाई ऐड कर दी है। अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ प्रॉपरली। इस तरीके से मिक्स करिएगा कि लम्स ना बने। आज मेरा चैनल कुकिंग चैनल जैसा लग रहा है, बट ये इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है ना कि आप लोग जब भी इसे यूज़ करेंगे तो चैनल को और मुझे ज़रूर याद करेंगे। तो इट्स लाइक कि मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं इसको प्रॉपरली मिक्स करके फिर आपको पेस्ट दिखाता हूँ गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये पेस्ट कुछ ऐसा है, ब्राउन हो गया है खटाई के कलर की वजह से जी गाइस। अब इस पेस्ट से हमें विग्रह को क्लीन करना है, फिर हम वॉश करेंगे। तो चलिए माता रानी के विग्रह को क्लीन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, मैंने माता रानी के विग्रह को एक बड़ी सी थाल में रख लिया है, क्योंकि क्लीन करने में फिर इजी रहेगा। तो ये पेस्ट हम माता रानी के लगाना शुरू करेंगे, प्रॉपरली क्लीन करेंगे गाइस। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। इस तरीके से पूरे विग्रह को हमें क्लीन करना है। आप खुद देखेंगे कि कितना इफेक्टिव है ये तरीका। जी गाइस, ये आप देख सकते हैं, मैं विग्रह को पूरी तरीके से क्लीन कर रहा हूँ प्रॉपरली। अच्छे से फेस वगैरह रब करेंगे और आप देखेंगे खुद कि कितना इफेक्टिव है ये मेथड। आपको आई होप सो अभी से ही विग्रह की शाइन दिखनी शुरू हो गई होगी। पूरी तरीके से हम ऐसे ही विग्रह को अच्छे से क्लीन करेंगे गाइस। अपने हैंड से रब करना है, ऐसा नहीं कि पेस्ट लगा के छोड़ दिया, पेस्ट अब अपने आप काम करेगा, नहीं। प्रॉपरली हमें विग्रह को अपने हैंड से रब करना है। मैं पीछे से टर्न करके भी अच्छे से क्लीन करूँगा, क्योंकि विग्रह बार बार तो नहीं क्लीन किए जाते, स्पेशल ओकेजन्स या कभी जैसे नवरात्रि है तो क्या कहते हैं। मैंने सोचा काफ़ी टाइम से कि विग्रह को क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि नॉर्मली स्नान वगैरह तो हम करवा ही लेते हैं या स्पंज करवा देते हैं, लेकिन विग्रह की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अगर हम एक पीतल का विग्रह अपने घर रखते हैं। और ये बहुत अच्छी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई जस्ट होप कि आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा और ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल है और उन चीज़ों से ही कर रहे हैं जो नॉर्मली आमतौर पर हमें घर पे अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं प्रॉपरली अब पूरी तरीके से विग्रह को अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं गाइस, मैंने पूरी तरीके से
माता रानी के विग्रह को अच्छे से इससे पेस्ट से रब कर दिया है, टोटल आगे से भी और पीछे से भी देख सकते हैं मैंने प्रॉपर रब कर दिया। कहीं ना कहीं आपको शाइन भी दिखनी शुरू हो गई होगी, ये आप देख सकते हैं इस पेस्ट का कमाल है। अब हमें माता रानी के विग्रह को वॉश कर लेना है, स्नान करा देना है। इसका पैसे मत सोचिएगा गाइस, जिस तरीके से हम नृत्यगोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान करवाते हैं प्रॉपरली जिस जैसे पंचामृत से, तो उसी तरीके से आप ये समझ सकते हैं जैसे हम लोग फेस पैक लगाते हैं, तो ये भी विग्रह को क्लीन करने के लिए ज़रूरी है जिससे कि विग्रहों की शाइन बनी रहे। तो आप देख सकते हैं, अब ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप पेज से कवर कर रहे हैं, माता रानी को रब कर रहे हैं, तो अपने हाथों पे कुछ रिंग्स वगैरह जो अगर आपने कुछ पहनी हुई है ज्वेलरी, तो प्लीज़ उसे उतार के दीजिएगा, खासतौर पे वुमेन के लिए या जेंट्स के लिए भी जो रिंग्स वगैरह अगर आपने पहनी है तो उसे उतार के ही फिर क्लीनिंग कीजिएगा, जिससे कि आप भी कॉन्शियस ना हो, क्लीनिंग भी प्रॉपर हो पर आपके कुछ ऑर्नामेंट को हार्म भी नहीं पहुँचेगा। तो इस चलिए फटाफट से माता रानी के विग्रह को वॉश करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं और फिर आप देखिएगा माता रानी की शाइन। आप देख सकते हैं गाइस, माता रानी का विग्रह क्लीन हो गया है, देख सकते हैं सोम नंदी जी, माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं, इतना ग्लो आ रहा है कैमरे में, तो इतना ग्लो कवर भी नहीं हो पा रहा जितना ग्लो एक्चुअल में माता रानी इस टाइम कर रही हैं। आपको डिफरेंस साफ दिख रहा होगा क्लीनिंग करने से पहले का और क्लीनिंग करने के बाद का, कि ये मेथड कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से मैंने अपने माता रानी के विग्रह को क्लीन किया है। अब मैं श्रृंगार करूँगा माता रानी का नवरात्रों का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये आप देख सकते हैं माता रानी कितनी कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ही नहीं हट रही है अभी से ही। तो अब हम माता रानी का करेंगे श्रृंगार, ये तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितना इफेक्टिव लगा। तो सब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे हरे कृष्ण गाइस, जय माता दी।